ये देखो आपको ना अभी अपने बर्थडे की जो कैप है ना इसे छोड़ दे रही, इसे रखना नहीं आपने नहीं, नहीं इसी को लेके बस खेल रही है आपको अपने बर्थडे कैप के साथ में। देखो और आपने इतने सारे कपड़े ये सब धो रखे आपको अभी तो ना दादी की अब वो के साथ भी केक काटना है आपने इस वाली कैप से, इस वाली कैप को पहन के केक काटना है अभी आपने और दादी बुआ के साथ में काटना है ना। देखो देखो आपको बड़ी खुश हो रखी है अपनी, बच्चों को होता है ना कैप वगैरह इन चीजों का। और बलून तो बच्चों ने उसी समय फोड़ दिए थे सारे, जैसे ही बच्चे जा रहे थे सब फोड़ दिए थे बच्चों ने। और आज का मौसम भी काफी अच्छा रहा, धूप काफी अच्छी रही, लेकिन अपने यहाँ से निकल जाती है जल्दी धूप। कहाँ जाती है वो तो? हैं? कहाँ जाती है? कहाँ जाती है मतलब? निकल जाती है, कल सुबह आएगी ना। या खतरनाक है लड़की, खतरनाक है लड़की। चलो अभी लंच करते आपको, चलो लंच करने। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। और अभी जो है मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिन से, ये बस एक छोटी सी बात आपसे आपके साथ शेयर करनी है, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट आप सबके आए थे। तो अक्कू का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था और उस पर कमेंट आए थे, अक्कू को विश किया था आप सब लोगों ने। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबने बहुत प्यार दिया अक्कू को, बहुत सारी विशेस दी हैं तो उसके लिए धन्यवाद। और दूसरा कमेंट जो ये आया था मम्मी को लेके और गुट्टी को लेके कि मम्मी और गुट्टी क्यों नहीं आए अक्कू के बर्थडे में, तो वही आप सबसे शेयर करना है। तो क्यों नहीं आए, ये क्या रीज़न था कि मम्मी और गुड्डी यहाँ पे नहीं आ पाए? तो गुड्डी का तो जैसे आप सभी लोगों को पता है, जो लोग हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं ना, तो आप सब लोगों को पता है कि गुड्डी तो नहीं आ सकती थी यहाँ पे, क्योंकि गुड्डी को थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होती है, अधिकतर लोग जानते होंगे। और जो अभी पहली बार मेरे चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उन सबको बता देती हूँ कि जो है ना गुड्डी को थोड़ी सी दिक्कत है, जो मेरी नंद है तो वो चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और मम्मी जी इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि अगर मम्मी यहाँ पर आती तो मम्मी रात को यहाँ रुक नहीं पाती, और फिर मम्मी को आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता ना, एक ही दिन में आना भी था और जाना भी था, फिर घर पर भैंस भी थे। और अगर रात को मम्मी एक बारी को यहाँ पर रुकती भी तो फिर गुड्डी के साथ प्रॉब्लम थी कि हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हमने अभी उसे अकेला छोड़ा नहीं है और ऐसे अभी हम कभी छोड़ भी नहीं सकते उसे अकेला। तो यही रीज़न था कि मम्मी और गुड्डी अक्कू के बर्थडे में नहीं आ पाई, लेकिन जो है ना अक्कू की दादी और अक्कू की बुआ का प्यार और उनका आशीर्वाद हमेशा अक्कू के साथ में रहेगा। और हमने भी बहुत मिस किया मम्मी और दादी को, लेकिन मम्मी और दादी मतलब मेरे लिए तो मम्मी और अक्कू के लिए दादी और उसकी बुआ को। तो अब जो है ना हम जल्दी से जल्दी घर जाएंगे, है ना? कब जाना है घर? जल्दी से जल्दी अभी चलते हैं। अरे मैं बोल रहा था जाएंगे ना, दो चार दिन में तो जाएंगे। अभी हम ना दो चार दिन में जब भी है ना घर जाएंगे, तो उससे किसी ने कहा था कि केक लेके जाना और फिर केक काटना, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है ना। तो हम एक छोटा सा केक लेके जाएंगे, और जो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए अक्कू के साथ उसकी दादी और बुआ, तो फिर घर पे करेंगे, केक कटवाएंगे, है ना अक्कू? ये देखो अभी मैं टोपी पहन के घूम रही अभी भी अक्कू। दादी और बुआ के साथ केक काटना है आपको, है ना? हाँ, पर मम्मी आए नहीं ना, लेकिन हम गांव जाएंगे तब लेके जाएंगे ना केक। हाँ, ठीक है, इनके लिए ना दूर जाने पड़ेंगे, उनका भी बर्थडे आ रहा है ना। नहीं, आपके बर्थडे का केक कटेगा अभी गांव में भी, ठीक है? एक और केक अभी पेंडिंग है, ठीक है? नहीं, उनको बर्थडे आएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, पार्टी अभी बाकी है दोस्तों। हाँ, उनका भी बर्थडे आएगा। अच्छा बोलो, तो मैं उनको ना अपनी टोपिया दे दूंगी। हाँ चलो सबको बोलो, बोलो मैं अपनी दादी और बुआ के साथ भी केक कटिंग करूंगी, बोलो। मैं बुआ है, दादी के साथ भी केक कटिंग करूंगी। हाँ जल्दी, उनका भी उनका हाथ पकड़ूंगी ना, उनका केक उनसे कटवाऊंगी। हाँ अभी हम गाँव जाएंगे ना जल्दी, है ना? फिर केक लेके जाएंगे। तो सारा ब्लॉग तो निकल गया, मगर ब्लॉग में तुमने वो नहीं बोला आज क्या है ना, आज 25 तारीख है और वो है आज। हाँ आज ना वो है, मैरी क्रिसमस है आज से। तो आज से ना जो है ना बड़ा दिन स्टार्ट हो जाता है, और आज से जो है ना थोड़ा थोड़ा सेकंड का फर्क पड़ता है ना दिन में, सेकंड का मिनट का पड़ जाए। मैं तो बोल रहा दिन बहुत छोटे हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बताना दोस्तों मिनट का पड़ता है या सेकंड का पड़ता है। तो आज से जो है बड़ा दिन स्टार्ट जाता है, और सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को और हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस, है ना? आपको बोलो, डे कौन बोले? हाँ तो डे डे भी बोलते हैं ना आपको, आप ही बोलो, बोलो मैरी क्रिसमस डे। नहीं बोल पाएगी ऐसे, बोलना बड़ा दिन मुबारक हो। बड़ा दिन मुबारक हो।
मेरे को खुद नहीं आ रहा था बोलने में, क्या बोलेंगे इसको, पहले ढूंढ लेते हैं कहीं, है ना। बड़ा दिन मुबारक हो, दिन बड़े हो जाएंगे और ये छोटे दिन के चक्कर। और एक और चीज है, हमारे ना कुछ सब्सक्राइबर हैं जो जिन्होंने जो मतलब मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, तो उन्होंने ना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, अक्कू को विश किया उन्होंने तो। लेकिन मैं दिखाना चाह रही थी कि मतलब यहाँ पे भी वीडियो शेयर कर रही थी, लेकिन ना इंस्टा की वीडियो जो है ना मेरे फोन में ना मतलब जैसे हम एडिटिंग करते हैं ना तो फोन में आ नहीं पा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे साथ उनको सॉरी बोलना चाहूंगी, आपकी वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन आपने जो है मेरी बेटी को वीडियो रिकॉर्ड करके जो है ना विश किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका नाम है आशा नेगी, आशा नेगी चौहान ऐसा है ना, आशा चौहान है शायद, वो गाजियाबाद से हमारा ब्लॉग देखते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। उनकी जो बुआ है ना, उनकी बुआ नहीं उनकी सास है, वो सास है हाँ, उनकी सास अच्छा। जो है ना बहुत ही ज्यादा पसंद करती है मेरा व्लॉग, और पूरी फैमिली घर में बैठ के देखती है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। छोटा सा क्लिप दिखाना चाहिए उनका, हाँ दिखाऊंगी मैं उनका क्लिप, क्योंकि इसमें दिख जाएगा हाँ, क्योंकि वाला है ना व्हाट्सएप में है ना, वो व्हाट्सएप पे, लेकिन उन्होंने जो दूसरी क्लिप है ना जो अक्कू को विश किया वो उन्होंने इंस्टा पे भेजी, तो इसलिए वो ना आ नहीं पा रही पता नहीं क्यों, लेकिन एक उन्होंने व्हाट्सएप पे क्लिप भेजी है जो कि उनकी पूरी फैमिली बैठ के हमारा ब्लॉग देखती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी, तो चलिए आप देखिए उस ब्लॉग को। बुआ जी है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग देखना, और उनकी जो फेवरेट ब्लॉगर है वो है पहाड़ी ब्लॉगर रितिका। तो रितिका जी अगर आप हमें हमारा ब्लॉग देखोगे तो ये हमारी बुआ जी है, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, ये आपको मिलना भी चाहती है, जब कह रही थी कि जब मैं गांव आऊंगी तो उनसे जरूर मिलूंगी। आप रितिका के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अभी वो शर्मा रही है लेकिन जरूर बताएंगी। रितिका जी का ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता, रोज डेली शाम सुबह क्योंकि ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि वो हमारी तरफ की है, इसलिए अच्छा लगता है बहुत कि चलो ऐसा लगता है कि हाँ हम हमारा गांव की है, हमारा वो पियर की है, तो अच्छा लगता है जो कुछ भी बोलती है। तो बस दोस्तों यहीं पे जो है ना इस ब्लॉग को एंड करते थे, ये बस आपके साथ कोई अपना लाइफ स्टाइल मैंने कुछ शेयर नहीं किया, बस क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे ना मम्मी और गुड्डी को लेके, जब मैं कमेंट का रिप्लाई कर रही थी तो फिर सबको सब पूछ ही रहे थे कि मम्मी और गुड्डी क्यों नहीं आए बर्थडे में, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो छोटा सा क्लिप बना के आप सबको बता दूं कि क्यों नहीं आए, क्या रीज़न था। तो यही रीज़न था कि मेरी सासू जी और क्या जो है ना मेरी नन यहाँ पे बर्थडे में नहीं आ पाए, अक्कू की दादी और बुआ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप सबको मिल गया होगा। तो चलिए बाय बाय।